नमस्कार मित्रों, आप सभी का नरेंद्र विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल में मैं नरेंद्र विश्वकर्मा हार्दिक स्वागत करता हूँ। यदि आप वर्ग 3 की भर्ती परीक्षा से हताश व चिंतित हैं तो आप इस वीडियो को अवश्य देखें। अब हमारा क्या होगा? तो जी हाँ, इस प्रकार की चिंताएं, समस्याएं उन सभी अभ्यर्थियों के साथ उत्पन्न हो रही हैं जो कुछ ही पॉइंट से रह गए हैं या कुछ ही अंकों से रह गई हैं। तो उन्हें दिन रात एक ही बेचैनी है कि अब थर्ड काउंसलिंग होगी या नहीं होगी, अब जो ट्राइबल का रोस्टर आएगा या नहीं आएगा। ट्राइबल का रोस्टर यदि आता है तो हमारा नाम आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा। तो इस सभी चिंताओं से वह पीड़ित हैं। तो आप सभी लोगों से विनम्र अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखिए, हो सकता है कि आपके मैक्सिमम प्रश्नों का समाधान हो जाए। तो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों से विनम्र अनुरोध करता हूँ कि यदि आप इस प्रकार की चिंता है तो बिल्कुल चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि चिंता चिता से बढ़कर होती है। मैं भी अच्छी तरह से जानता हूँ कि जिसके साथ बीतती है, जिसके साथ गुजरती है, वही जानता है, क्योंकि मैं स्वयं उस कैटेगरी से गुजर रहा हूँ। लेकिन फिर भी मैं आपसे यही सुजेस्ट करूँगा, क्योंकि चिंता छोड़ दीजिए। चिंता छोड़ने के लिए आप इन तरीकों का प्रयोग भी कर सकती हैं। ग्रुप बहुत कम देखें, किसी भी YouTube चैनल पर जानकारी देखें तो वही जानकारी देखें जो सारगर्भित हो। आप बार बार किसी टॉपिक पर सर्च करेंगे कि रोस्टर कब आएगा, जितने अधिक किसी टॉपिक पर बात करेंगे उतनी अधिक आपको चिंता होगी। दूसरा सबसे बड़ा कार्य है कि यदि आप किसी न किसी कार्य में उलझ जाइए। यदि आपने वर्ग 1 और वर्ग 2 क्वालिफाई है तो आप, यदि वर्ग 1 क्वालिफाई है तो पूर्णतः वर्ग 1 पर डिपेंड हो जाएगी कि हमारा अभी सिलेक्शन नहीं हो पाया है, हम वर्ग 1 का समय सिलेक्शन प्राप्त कर ही लेंगे। और यदि आप वर्ग 2 में क्वालिफाई है तो वर्ग 2 की भर्ती में लग जाइए। आप ये मत सोचिए कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि जो अभ्यर्थी कहते हैं कि हमारे साथ चलिए, ये करिए, वो करिए, तो अब सबसे बेस्ट है कि आप तैयारी करना प्रारंभ कर दीजिए। वर्ग 1 की थर्ड काउंसलिंग होना या ना होना यह डिपेंड करता विभाग पर। और यदि आप वर्ग 1 और वर्ग 2 में क्वालिफाई नहीं है या आपने एग्जाम नहीं दिया, तो उस स्थिति में आप भोपाल में जाकर वर्ग 3 के अभ्यर्थियों के साथ साथ दीजिए। कई ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो इस स्थिति में नहीं है कि वह भोपाल में जाकर साथ दे सकें, क्योंकि उन्हें अपनी परिवार का भरण पोषण भी करना पड़ता है और भोपाल में जाकर यदि वह रहती हैं तो उसका खर्चा भी लगता है। तो ऐसी स्थिति में मैं आपसे विनम्र अनुरोध करूंगा कि आप हो सके जितना से जितना अधिक हो सके इन व्यर्थ के टॉपिक्स पर ध्यान ना दें और अपना कोई ना कोई साइड बिजनेस प्रारंभ कर दें। साथ ही साथ समय निकालते रहें, क्योंकि 1 साल के समथिंग MPTET वर्ग 3 आने वाला है और उसमें अपना फुल योगदान दें। निश्चित तौर पर आप उसे निकाल लेंगे और विश्वास ये रखें कि इस बार नहीं हुआ है तो अगली बार जरूर सिलेक्शन हो जाएगा। एक बात और हम आपसे बताते हैं, कहते हैं कि जो हम सोचते हैं वह बेहतर होता है और जो भगवान देता है वह बेहतरीन होता है। यदि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, क्योंकि हो सकता है कि हमें जो एक नज़र के लिए दिखता है कि अच्छा होता हो रहा, लेकिन आगे चलकर उससे कोई ना कोई नुकसान हो, क्योंकि भगवान हमेशा जो व्यक्ति जिसकी जो गोता वही देता है, वो जिससे जिसका भला होता है, क्योंकि वह सभी के लिए समान उचित न्याय संगत न्याय करता है और न्याय संगत उसका भविष्य लिखता है। तो इसलिए उस पर ब्रह्म पर विश्वास रखिए, कर्म करते रहिए, व्यर्थ की बातों पर चिंतित मत होइए, ना ही बुरे मन में खिला ख्याल लाइए, ना ही बुरे कदम उठाइए। आप सभी लोगों से मैं इतना ही कहूँगा। और यदि आप ने वर्ग 1 को वर्ग 2 के टेस्ट दिया तो उसकी तैयारी करना प्रारंभ कर दीजिए, क्योंकि अंतोगत्वा आपके वही साथ देने वाला है। नमस्कार।